एवरीवन, वेलकम बैक टू रोनचल द फाइनेंशियल लिटरेसी। मैं हूं आपकी दोस्त राधि। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस कि निफ्टी की एक्सपायरी किस तरीके से होगी। और आज का दिन अगर आपने देखा तो पूरा कंप्लीट रेंज बाउंड रहा है, और टेलीग्राम पे भी ज़्यादातर कुछ अपडेट करने के लिए ऐसा था नहीं। लाइक ये वाला चार्ट आपको अपडेट हो गया था कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था वो भी बता दिया था, उसके बाद जो है एग्जैक्ट रेसिस्टेंस लेकर ही जो मार्केट है वो डायरेक्ट डाउन साइड में आती है। और अगर आप देखोगे तो इस वाले लेवल से दोबारा से सपोर्ट लेते हुए मार्केट दिखेगी, और ये वाला ही लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट देता था। उसके बाद मार्केट पूरा एक रेंज बाउंड जोन में थी। ऑप्शन सेलर जो होंगे ना वो इस टाइम पे अच्छा पैसा बनाते हैं, बिकॉज ऊपर का कॉल और नीचे का पी सेल करके बीच का जो प्रीमियम मीटिंग होता है उनका, वो बेसिकली वही उनका प्रॉफिट होता है। तो आज का दिन जो था वो ऑप्शन सेलर्स के लिए बेस्ट था, बट ऑप्शन बाइंग के लिए इतना बेस्ट नहीं था। हाँ, कुछ मूव मिले अगर आप हमें आज मार्केट में देखने को। सो अगर आपने परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट करी है तो वेल एंड गुड है, उसमें पैसे बने होंगे। अदरवाइज अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो हर 3-4 कैंडल के बाद जो था एकदम से पुल बैक आ रहा था और ट्रेंड चेंज हो रहा था, यानी कंप्लीट एक रेंज बाउंड में था। So, अभी बेसिकली क्या है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर जाते हैं, दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में जाके हम इस कंप्लीट रेंज को एक रेक्टेंगल शेप में डाल देते हैं। तो अभी क्या कर रहा है कि मार्केट इस कंप्लीट एक रेंज में आ गया। सो जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, यानी अगर कल भी इसी रेंज को अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो उसके बाद हमें यही रेंज बाउंड मार्केट जो आगे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, ठीक है। और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो वो अच्छा होगा, शार्प होगा। अब एक और चीज यहाँ पे समझने की ये है कि जब यहाँ से फॉल आया तो मार्केट ने यहाँ से ऊपर की साइड का मोमेंटम दिया, बट इस वाले लेवल पर आकर मार्केट जो है अभी 41,800 पर आकर मार्केट जो है कंप्लीट सा फ्लैट हो गया, मतलब और बाइंग साइड का मोमेंटम ऐसा कुछ खास लगा नहीं। ओके, सो कल के लिए ये हो सकता है कि यहां पर हुआ है एक्यूमुलेशन। देखो रेंज का क्या मतलब होता है ना, एक्यूमुलेशन होता है, वहां पर बायर्स भी आते हैं सेलर्स भी आते हैं, ठीक है। सी राइट भी करेंगे, कॉल राइट भी करेंगे और पुट राइट भी करेंगे, ऐसे ऐसा सभी लोग यहां पर पोजिशन बना के गए। कल जिधर भी डायरेक्शन में डायरेक्ट मूव मिले हम उधर की साइड एंट्री कर सकते हैं। अगर यहाँ पर डाउन साइड का मूव मिलता है हम डाउन साइड एंट्री कर सकते हैं, हमारा जो टारगेट रहेगा वो डाउन साइड के सारे स्विंग्स रहेंगे। अगर ऊपर की साइड का ब्रेक करता है तो पहले हमारा जो 42,000 का लेवल है वही सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेगा, उसके बाद हम ऊपर का लेवल जो है वो देखेंगे। एक और चीज यहां पर मार्क करने की ये है कि बैंक निफ्टी में एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन जो है बनते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है चार्ट पे। सो जब तक ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनी हुई है, ये मार्केट क्या आ गया, ये कंप्लीट आ गया रेंज में। अगर आप देखोगे तो दिस इज अ काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि मार्केट कंप्लीट रेंज बाउंड चली जाती है। बट ये जो भी पैटर्न होते हैं वो सारे एक्चुअल में एक रेंज कॉन्ट्रेक्शन ही होता है। आप कोई भी डब्ल्यू देखोगे, हेड एंड शोल्डर देखोगे, कोई भी पैटर्न देखोगे वो सारे एक रेंज कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो बेसिकली दिस इज अ रेंज कॉन्ट्रेक्शन, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मार्केट एक मूव देने के लिए रेडी है और वन साइडेड हमें मिलेगा। बिकॉज़ अगर आप देखोगे ना तो इस दिन 1, 2 और 3 दिन, यानी इस दिन थोड़ा मूव था, इस दिन थोड़ा इससे भी कम मूव था और आज तो बिल्कुल मूव नहीं था। इसका मतलब कल एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है, आइदर अपसाइड और आइदर डाउनसाइड। और जो मूवमेंट है, क्योंकि इतना ज्यादा यहां पर जो अभी सेलर्स है मार्केट को उन्होंने ट्रैप करके रखा, यानी रोक के रखा, और इधर के साइड भी सेलर्स थे, तो जनरली मूव है कि डाउन साइड में मिले तो हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अपसाइड में मिलेगा तो हमें थोड़ा इस तरीके से एन पैटर्न के साथ जाना चाहिए। निफ्टी है, फिर निफ्टी में भी सेम ही केस है। अगर आप देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में सेम ही चीज है, यहाँ पर सेम ही तरीके का पैटर्न बना है। सो बेसिकली यहाँ पर सेम ट्रेंड लाइन जा रही है और इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमारा कल के लिए एनालिसिस रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल पर है, 18,500 के पास ही है इस टाइम पर फिर निफ्टी। 18,500 बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है फिर निफ्टी का। 18,500 के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है वो 18,665 के आसपास है, ओके। और यही हमारी यहाँ पर ट्रेंड लाइन जाते हुए दिखाई दे रही। तो इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट होता है डाउन साइड में, अप साइड में आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन एंट्री करने के लिए एक ही सेम चीज है कि उधर अगर हमें पुल बैक मिले, यानी कोई ऑपोजिट कलर का कैंडल मिले, फॉर एग्जांपल अगर डाउन साइड में ब्रेकआउट होता है रेड कलर कैंडल मिलेगी तो हमें डायरेक्ट एंटर नहीं करना, क्योंकि फिर उसका एसएल हाई रखा जाएगा। तो आप कोई ग्रीन कलर की कैंडल का वेट करो, और इन साइड कैंडल तो हम बहुत टाइम से पढ़ ही रहे हैं, आज भी बहुत अच्छा मूव था, स्टार्टिंग में 1:1 अचीव हो ही गया था उसमें इजिली, अगर आपने टाइम से एग्जिट कर दिया तो, क्योंकि उसके बाद मार्केट घूम भी गया था वहां से। सो कोई भी ऑपोजिट कलर कैंडल या इनसाइड कैंडल मिले तो वी कैन ट्रेड वहां पर। अभी जो निफ्टी है उधर भी सेम ही सिचुएशन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा स्टीप सा राइज नहीं है यहाँ पर, अगर आप देखो थोड़ा लेट लेट के मार्केट जा रहा है। अब जो लेट लेट के मार्केट जाता है ना, उसमें मैं हमेशा आपको बता दूँ कि अगर इंट्राडे में कभी भी लेट लेट के मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसे नीचे ही आना है,
ओके, और अगर मार्केट कभी धीरे 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 गिर रहा है तो इसका मतलब उसे एकदम से वो शार्प मूव देगा, ऊपर जाएगा। तो अभी सेम सिचुएशन क्या है ना कि मार्केट को इसको देखकर लग रहा है कि ऊपर की साइड का एक जो मूव है वो नहीं आना चाहिए, बट एज पर अगर हम ट्रेंगल पैटर्न जाते हैं तो मार्केट का जो ब्रेकआउट अगर अप साइड में होता है तो मूव उधर की साइड पर हम देखने को मिल सकता है। और उसके बाद ना अगर आप देखोगे तो ये एक टाइप का डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा इस तरीके से, दिस इज अ डब्ल्यू पैटर्न, इस तरीके से ये बनता हुआ दिखाई देगा, फिर यहां से ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट हो सकता है, तो इस तरीके से हमें मूवमेंट कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। सो कल पहले तो हमारा वेट करना ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किधर के साइड पर होता है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है, और ब्रेकआउट के बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें ऑपोजिट कलर कैंडल और इनसाइड कैंडल मिले एंट्री करने के लिए। सारे स्विंग्स हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस रहेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के लेवल मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन से सीखने के लिए कुछ ज्यादातर मेन चीजें हैं नहीं, लेकिन आज के दिन में अगर आप एक बार चार्ट को ओपन करोगे ना तो आपको सिर्फ एक ही चीज में, लास्ट टाइम भी मैंने आप शायद आपको ये वाली चीजें बताई थी और दोबारा से मैं आज दोबारा से ये चीज रिपीट कर देती हूँ। देखो कभी भी अगर मार्केट की ओपनिंग जो है, प्राइस की ओपनिंग अगर प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के लो के पास हो जाती है, यानी उसके बीच में हो जाती है, तो वेट करो कि या तो वो प्रीवियस डे हाई के पास जाए या प्रीवियस डे लो के पास जाए। अगर आप आज का ये दिन देखते हो ना, पूरा पैक है ये, फिर निफ्टी का चार्ट है, तो अगर आप ये वाला पूरा दिन देखोगे तो ये पूरा पूरी तरीके से ये वाला दिन पैक है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो प्राइस है वो वहां पर ना तो वो प्रीवियस डे हाई के पास गया है ना वो प्रीवियस डे लो के पास गया। अगर आप यहाँ पर ये जाके दिन देखते हो, सो यहाँ पर जाके जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी तो वो प्रीवियस डे हाई के पास भी नहीं गया। अगर हाई के पास जाता और फिर यहाँ से रिजेक्शन कैंडल मिलती तो हम यहाँ ट्रेड करते, ओके। और अगर यहाँ पर प्राइस जाकर कहीं पर भी स्विंग से सपोर्ट लेता तो हम वहां पर ट्रेड करते, बट अगर आप देखोगे तो प्रीवियस हाई के पास भी नहीं गया, लो के पास भी नहीं गया, इधर ही कंसोलिडेट करने लग गया। तो इसीलिए मैं हमेशा समझाती हूँ कि अगर कभी भी प्राइस बीच में ओपनिंग दे दे हाई और लो के, तो ऑलवेज वेट करो प्रीवियस डे हाई या लो के पास जाने का, ताकि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले सको, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन मिलेगा उसके लिए तो ब्रेकआउट चाहिए हाई और लो का, ओके। और इस वाले दिनों में हम बच सकते हैं, तो जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, ईओडी में भी जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें भी मैं पीडीएफ में बात बहुत बार रिपीट करी है, मैंने जितने दिन के भी एनालिसिस करते हैं हर बार रिपीट करती हूँ, ठीक है, कि ये वाला जो दिन है और इससे आप उस वाले एक जो तरीका आपको बताया उससे आप सेव हो सकते हो, ओके। सो विद दिस थैंक यू सो मच, और अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है ईओडी तो आप कर सकते हो। प्रीमियम्स का जो पूरा लिंक और पूरा प्लेटफॉर्म है कि किस तरीके से और कितने मंथ्स के लिए क्या क्या प्रीमियम्स रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। इसके साथ एक और ऑफर भी है, अगर आप धन में जाकर अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 3 मंथ्स के लिए एक्सेस फ्री मिल जाएगा, और आपको सिर्फ अपनी रेफरेंस आईडी जो भी होगा और क्लाइंट आईडी जो होगा विद सम अमाउंट मेरे पास सेंड करना पड़ेगा कि आपने कुछ अमाउंट उसमें डाला है, और आपकी कोई आपकी जो क्लाइंट आईडी मिलेगी वो, उसके बाद आई विल एड यू मैन्युअली इन द आर ईओडी ग्रुप, ओके। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो अगर आप जैसे टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन करते हो, इधर इस वाले मैसेज में मेरी आईडी ऑलरेडी पिन है, वहां पर आपको आईडी मिल जाएगी, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी अगर किसी चीज से रिलेटेड भी कोई डाउट होता है, ट्रेडिंग से रिलेटेड और कोर्स से रिलेटेड, ईओडी से रिलेटेड, या फिर वैसे आपको कुछ पूछना अपने सेटअप पे, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। सो विद दिस थैंक यू सो मच, बी प्रोफेशनल ट्रेडर एंड हैप्पी फाइनेंशियल लिटरेसी। एंड वन मोर थिंग, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर द वीडियो, आई नो कि एनालिसिस थोड़ा लेट आ रहा है, but I know you guys are waiting for this, so thank you so much for